नेशनल हेराल्ड केस के अंदर सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का दौर अब खत्म हो चुका है। 3 दिन तक चली पूछताछ में आप सभी को बता दें कि उनसे कई सवाल पूछे गए, लेकिन उन सवालों के बारे में अभी तक ईडी संतुष्ट है या नहीं है इसका खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी ओर बता दें कि ईडी ने नया नोटिस अभी तक जारी नहीं किया है कि उनसे दोबारा से पूछताछ होगी या नहीं की जाएगी। साथ ही ईडी के जो सवाल थे उसमें 10 जनपद जो सोनिया गांधी का निवास है वहां पर आखिरकार कितनी बैठकें रखी गईं और तमाम प्रकार के सवाल सोनिया गांधी से किए गए थे, लेकिन इन सवालों के बाद में ही उन्हें घर जाने दिया गया और जैसे ही ये सवालों का दौर शुरू होता है वैसे ही बाहर वहां पर प्रदर्शन देखने को मिलता है सत्याग्रह कांग्रेस के द्वारा और सभी सांसदों को लगभग जितने भी वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे सभी को हवालात के अंदर भी डाल दिया जाता है और जब तक सोनिया गांधी से पूछताछ चलती है तब तक उन सभी को अंदर ही रखा जाता है। जैसे ही पूछताछ का दौर खत्म हो जाता है तब उन्हें बाहर निकाला जाता है। तो दिखाते हैं इसी पर रिपोर्ट कि आखिरकार ईडी की पूछताछ के दरमियान क्या कुछ खुलासे होते हुए नजर आए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बुधवार को 3 घंटे की पूछताछ करी है। ईडी ने उन्हें अब तक कोई नया नोटिस नहीं दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने सोनिया से पूछा कि यंग इंडिया के लेनदेन से जुड़ी कितनी बैठकें आपके घर 10 जनपद पर हुई। मंगलवार को भी जब ईडी ने उनसे कंपनियों के लेनदेन के बारे में सवाल किया तो सोनिया ने जवाब दिया। कांग्रेस एसोसिएट जर्नल और यंग इंडिया से जुड़े सभी लेनदेन पूर्व कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा देखते थे। वहीं यंग इंडिया लिमिटेड संस्था किस क्षेत्र में काम करती है, लेनदेन से जुड़ी कितनी बैठकें आपके आवास 10 जनपद पर हुई, लेनदेन के बारे में आपको क्या जानकारी है, इसके शेयर किस तरह बिके और पहली बार सोनिया 21 जुलाई को ईडी दफ्तर में पहुंची थी, यह सभी सवाल उनसे किए गए हैं। यहां उनसे 3 घंटे की पहली बार पूछताछ के दौरान की गई तो इसके बाद 5 दिन का ब्रेक लगा था और इसके बाद ईडी ने उन्हें 26 जुलाई को बुलाया था और 6 घंटे तक सवाल किए थे। फिर बुधवार को ईडी ने सोनिया को पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया था और यहाँ एजेंसी ने उनसे 3 घंटे पूछताछ की थी और कुल 12 घंटे हुई पूछताछ के दौरान उनसे 100 से ज़्यादा सवाल किए गए हैं। साथ ही गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि ईडी ने पूछताछ बंद कर दी थी, अब पहले राहुल गांधी से और फिर सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है। औरत और बीमार लोगों पर जंग में भी हाथ नहीं उठाया जाता, लेकिन मोदी सरकार कार्रवाई के मामले में निचले स्तर पर उतर के आ गई है। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।